What's up, guys? Welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. Ladies and gents, boys and girls, आज अपुन यानी कि हम लोग और आप अपुन देखने वाले क्या है, एक स्टैंड अप कॉमेडी. अक्षय तक आपने नोटिस किया रहेगा, कभी भी इंट्रो कुछ ज्यादा अक्षय दा सब ब्लैंकली मेरे पास देखते रहती है, बिकॉज़ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, बिकॉज़ हाफ द टाइम्स यू डोंट लेट मी टॉक ओनली. और 20 से लेके एंड तक अक्षय दा बोलेंगे, ये कुछ ज्यादा हो गया. एनीवे, लाइक आकाश गुप्ता, आई फील लाइक वी हैवंट डन इन अ रियली लॉन्ग टाइम, सो गुड टू. So let me tell you one thing. Okay, I will break my promise and help out my wife right here. So actually क्या मतलब आज अभी अपन ये reaction कर रहे हैं, this is a little older video. कल ही आकाश गुप्ता का एक और video आया. So back to back there are two आकाश गुप्ता. वैसा कर सकते हैं, but मेरे को वो करने का नहीं है. Anyways, this is Indian cricket fans. हम लोग दोनों भी नहीं है. Yeah. There's something in my eye. Yes, eyeball. ओके चलो, नो रिएक्शन टू माय जोक. सो आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट व्हाट्स इन माय आई देन योर स्टूपिड जोक. ओके ना, ठीक है ना, ठीक है, कुछ नहीं हुआ. चलो, इंडियन क्रिकेट फैंस एंड विराट कोहली, दिस इज द टाइटल एंड वी आर गोइंग टू वॉच द वीडियो राइट नाउ. बट अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है देन गो ऑन स्काई गुप्ता. हेलो, यू विल सी इन द वीडियो गाल सोतलत मारलस. शबास. सो गो ऑन आकाश गुप्ता's चैनल एंड वॉच द ओरिजिनल वीडियो देयर, देन कम एंड वॉच द रिएक्शन एंड लेट्स स्टार्ट. नहीं सही है. मेरे को आपको गुड न्यूज देनी है. नहीं नहीं, बट इस साल मुझे इस एक्चुअली नेक्स्ट मंथ आई विल कंप्लीट 10 इयर्स इन स्टैंड अप कॉमेडी. बढ़िया चल रहा है करियर, फॉरेन इंटरव्यू वगैरह जाने को मिलता है ऐसे, बट ना खुशी सी नहीं हो रही अंदर से, क्योंकि ना ये मेरा पहला ड्रीम नहीं था. एक होता ना बचपन में पहला ड्रीम मेरा था, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था और मैं बहुत अच्छा खेलता था यार. मैं मतलब अकेडमीज वगैरह में खेलने जाता था और बहुत बढ़िया खेलता था. दिस वेरी इंटरेस्टिंग है ये वाला टॉपिक है ना कि ड्रीम. हम लोग ने कभी आई थिंक इसके ऊपर बात नहीं की है ना. व्हाट वाज योर ड्रीम लाइक ग्रोइंग अप? आई थिंक आई एम काइंड ऑफ डूइंग व्हाट माय ड्रीम वाज. मेरा एक ही ड्रीम था. मैं वैसे ना मैं उतना फ्यूचर में ज्यादा सोचता नहीं हूँ, आई लिव इन द मोमेंट. बट वो टाइम पे मेरा एक ही ड्रीम था कि मेरे को क्या जॉब नहीं करना है, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर माई सेल्फ. वो एक ही मेरा ड्रीम था एंड थैंक गॉड वैसा हो रहा है. सो बोथ ऑफ अस आर डूइंग गुड. आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग इन द क्रिएटिव फील्ड, लाइक या बहुत क्रिएटिव मेरे से भी ज्यादा. फिर मैं 10th के बोर्ड आए, छुड़वा दी मेरे पापा ने, कह रहे पढ़ाई करो, क्या फायदा हुआ. चुटकुले सुना रहा हूँ मैं आज. कभी माफ नहीं किया मैंने अपने बाप को, क्योंकि जिस साल उन्होंने छुड़वाई ना उसी के 2 साल बाद IPL स्टार्ट हो गया यार. Oh. और पता है मैं ऐसे रह गया कि अगर ये मुझे खेलने देते ना, यू नेवर नो, मुंबई इंडियंस. दैट्स ट्रू, लाइक हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन. इस साल वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, आप लोगों ने देखा? हां देखो, आई नो फाइनल में जो भी हुआ, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वहां तक हमारी टीम जो खेली वो बहुत ही, बिल्कुल वो हमारी टीम के लिए तालियां होनी चाहिए दोस्तों. मैं ना कुछ मैचेस लाइव देखने गया था और बहुत सालों के बाद मैंने एक स्टेडियम में मैच देखा. हाँ, ओह माय गॉड, इसने हार गए. अरे, शट अप. क्राउड हर जगह ऐसे ही होता है, मैं देख लिया. जैसे मैं जब मैच देखने गया तो मैं बहुत खुश हुआ कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं बना हूं, क्योंकि जब मैं मैच देख रहा था मैं कहा एक तो देखो यार कितनी बड़ी बात होती है, वो 11 लोग सेलेक्ट होते हैं पूरे देश में से, ठीक है. उनके ऊपर इतना स्ट्रेस होता है, इतना प्रेशर होता है कि हमें रन बनाने हैं, मैच जीतना है, ये सब. ऊपर से हमारा क्राउड हमारे ही प्लेयर्स को तंग कर रहा होता है. बाउंड्री क्या पे? वो शुभमन गिल बेचारा बैटिंग करने आता है, पूरा स्टेडियम नारे लगा रहा है हमारी भाभी कैसी हो. शर्म करो. फिर वो आउट हो जाते 2 ओवर के बाद. फिर कमेंट्स मारते हैं, इनका तो फोकस ही नहीं है गेम में. उसका था,
ब्रो आई अक्षदा ने ना वो कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है कि स्टेडियम में मतलब क्या रहता है. आई हैव बीन टू लाइक 2-3 आईपीएल ही देखने गया हूं मैं. एंड भाई साहब ट्रस्ट मी मैं रिलीजियसली क्रिकेट फॉलो नहीं करता बट द वाइब इन द स्टेडियम इज समथिंग एल्स. अगर आप नहीं गए हो तो जाओ एक बार ही जाके वो एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए. जो तुम्हारी वजह से गया है. शुभमन गिल 24 साल का है यार. 24 साल की उम्र में वो इंडिया का ओपनिंग बैट्समैन है. आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात होती है. वो बैटिंग करने आया है उसके दिमाग में कितनी चीजें चल रही होती होंगी यार. यार ये आउट स्विंग होगी. आई नो वेयर दिस इज गोइंग. हो सकती है कवर लूं क्या करूं ये सर. और कान में क्या चल रहा है उसके. सारा भाई इन जैसे चूते हुए जैसे ना. तुम जैसे चूते हुए से हारे हैं और इनको लगता है हम बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं सब करके. अबे अपने प्लेयर को ही परेशान कर रहे हो यार. आप सोचो आपकी वर्क स्पेस में कोई ऐसे बिहेव करे. तुम सुबह उठ के अपने ऑफिस में बैठे हो लैपटॉप खोल के ईमेल लिख रहे हो. आई होप यू आर डेड बिच. रिगार्ड्स एंड फक ऑफ्स. व्हाट एवरीबॉडी वांट्स टू राइट. हमारी भाभी कैसी है. एचआर वाली जैसी है. गुस्से में आ गए लैपटॉप उठा के सर पे मार दो उसके. और आप सोचो हमारा क्राउड हमारे प्लेयर्स को इतना तंग कर रहे हैं तो फॉरेन प्लेयर्स के साथ तो क्या कर रहे थे. रैगिंग रैगिंग हो रही थी उनकी. एक्चुअली रैगिंग. मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने गया था. एक मार्नस लाबुशेन करके प्लेयर है ठीक. उसकी स्पेलिंग बड़ी अजीब सी है. हमारे बंदों से बोला ही नहीं जाता उसका नाम. वो फील्डिंग करने आया बाउंड्री पे. यहाँ से दो लोग लाबू 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 को लाबू. ओह माय गॉड. लाबू शंका. मैं हैरान हूं यार कि कैसे खेल लेते हैं प्लेयर्स इन सब के बीच में भी. और ये सिर्फ क्रिकेट का क्राउड है पता है जो इतनी बदतमीजी करते हैं कुछ भी कमेंट्स मारते हैं और कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है. बाकी किसी स्पोर्ट में होता है. अब लॉन टेनिस देखो उसमें लोग बेसिक चेयर करते हैं ना रेफरी उसी में डांट देता उनको. वो ऐसे हो जाते ये नडाल साइलेंस साइलेंस रेडी. बंदे की पड़ जाती बेंच. ऐसा क्या बोल दिया. मैं तो नडाल को मोटिवेट ही कर रहा था यार. कम ऑन लेट्स गो. थैंक यू. बाहर निकल बैठ. ये होता है डिसिप्लिन स्पोर्ट में. वो लॉन टेनिस भरे स्टेडियम में इतने साइलेंस में खेल रहे होते हैं यार. वो तो कुछ ज्यादा ही साइलेंस में खेल रहे होते हैं. उसमें जो प्लेयर्स खेल रहे थे उनकी सर्विस की आवाज किससे एको हो रही होती थी रैली में. ये वो मेरे पास ब्रो दैट जो बीच में उसने आ आ तक पीक था बीच में जो आईया डाला ना उसने वो ले चुके आई हियर दैट अगेन. आईया आईया ये वो मेरे पापा कमरा बंद करके मैच देख रहे थे. आई गॉड. हमें अंदर से आवाज आ रही. मैं कहा मम्मी क्या कर रहा है आदमी अंदर. फिर ना कोई वो मैच जीत गया तो ये आवाज आई. मैं कहा भाग से. मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये आदमी ठीक नहीं हमारे लिए है. लॉन टेनिस बहुत सी है. उसमें जो प्लेयर्स भी है ना वो भी बहुत रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं. टाइम डिमांड करते हैं. आप कभी उनको सर्विस लेते हो देखो वो लगे रहते जब तक उनको वाइप नहीं आती. आधा घंटा चल रहे हैं. इसमें कभी कभार एक आधा बंदा कमेंट मारता है उस पर भी ऑफेंड. मैं नहीं खेल रहा. इसको हटाओ वहां से. हटाओ इसको. हमारे क्रिकेटर्स कर सकते हैं ऐसे कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करने आए हैं. कह रहे पहले सबको चुप कराओ फिर हम बैटिंग करेंगे. यहाँ करा लो आप 70,000 लोगों को चुप. शाम तक एक ओवर नहीं डलेगा. मैं लिखवा रहा हूँ आपको. पता 69,990 लोग चुप हो भी जाएंगे.
10 चूतिये होंगे। उसने ऊपर ही पॉइंट किया। जो जब सब चुप हो जाएंगे ना, सारा भाभी। कौन बोला? किसने बोला यार? मैं तो नहीं बोला यार। चुल बहुत होती है ना हम लोगों के अंदर। और पता है हमारे क्रिएटिव क्राउड में बिल्कुल पेशेंस नहीं होते। जैसे लॉन टेनिस में वो लगे रहते ना, लोग कुछ नहीं बोलते। हमारे प्लेयर्स बेचारे बैटिंग कर रहे होते ना, कई बार वो साइड स्क्रीन के सामने कोई आ जाता है, उसमें ना हट जाते हैं लास्ट मोमेंट, ओह दिखा नहीं हमें। उसी पे लोग ऐसे हो जाते हैं, ओ खेल ओए। बड़ी बॉल नहीं दिख रही, बैंक यहाँ से दिख रही है। और क्रिकेट का एक अकेला क्राउड है। एक होते देखो, बाकी क्राउड्स भी तंग करते हैं स्पोर्ट्स में लोगों को ना, कि वो कमेंट्स मारेंगे, स्लेजिंग करेंगे। हमारा क्राउड इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को चलते मैच में एडवाइस दे रहा होता है। 55 साल के अंकल, मैं मैच देख रहा था, मोहम्मद शमी फील्डिंग करने आया, शमी बेटे, शमी ऊपर डाल, ऊपर बैट के पास सीम से घुमा के ऐसे, कम ऑन शमी। जड्डू तुम्हारी बुआ का बेटा, जो तुम इतने फ्रैंक हो रहे हो वहां पे, सर रविंदर जडेजा नाम है उनका, रिस्पेक्ट से बात करो। भाई विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, तो ना विराट कोहली ने एक हवा में शॉट खेला, एरियल शॉट, ठीक है, मेरे साइड पे जो तो 55 साल के अंकल थे, उस बॉल के साथ वो भी हवा में गए। इतने एनिमेटेड 55 साल के अंकल मैंने लिए। बॉल हवा में गई है, दोनों आराम से, विराट अभी ग्राउंडेड खेल रहे हैं दो ओवर यार, इसके ऑस्टम की दिक्कत को कोई पता। मैं कहा ये आउट हो गए तो मर जाएंगे हार्ट अटैक से भी। विराट कोहली के ऊपर कितना प्रेशर है, रन भी बनाए, जान भी बचाए। तभी विराट कोहली की जो वो अग्रेशन है एक सेलिब्रेशन में बिल्कुल जस्टिफाइड है। लोग बोलते हैं कि इतना क्यों अग्रेसिव हो रहा है, अरे आप सोच भी नहीं सकते यार, उस इंसान के दिमाग पे कितना मेंटल प्रेशर होता होगा यार। आई तो लव विराट कोहली, मतलब हाँ विराट इज, वेस्ट दिल्ली से दो ही लोगों ने तरक्की करी है, विराट कोहली और मैंने। अरे नहीं नहीं, नहीं। उन्होंने बहुत ज्यादा करी है। बट जब वो सेलिब्रेट कर रहे थे ना फील्ड पे, उनको देख के कुछ मजा सा आ जाता है, एक इनर जॉय है उस इंसान में, एनर्जेटिक भी है, एकदम लग रहे थे। ये ताली भी नहीं मिलते, क्या बात है। ये सब चल रहा था कि अगर सामने वाली टीम बोल देती है, इतनी तो इम्पोर्टेंट विकेट नहीं गिरी थी, ये इमरान ताहिर आउट हुआ था यार, ये विराट भाई को, विराट भाई आप ही रख लो, हमें चाहिए नहीं है। कुछ तो एक इन्फेक्शियस एनर्जी है विराट कोहली, मतलब टीवी पे मैं मैच देख रहा होता ना, विराट कोहली जब स्क्रीन पे आते ना, मेरे मन करते कि इसको पढ़ के दो घुसंड मार दो, सॉरी मम्मी। बट मेरा फेवरेट मोमेंट होता है किसी भी इंडिया के मैच में ना, कई बार आप देखना बॉल डाली बुमराह ने, कैच पकड़ी केएल राहुल ने, पूरी टीम एक सर्कल में सेलिब्रेट कर रही है, विराट कोहली अलग से निकल के दूसरे टीम की ड्रेसिंग रूम की तरह, तुम्हारी पार्टी। ओह माय गॉड, वहां प्लेयर्स बैठे भी नहीं होते हैं, दूसरे टीम के फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह बैठे होते लैपटॉप खोल के, वो ऐसे हो जाते हैं, वो हमारी माँ बहन क्यों कर रहे हैं, हम तो बर्फ का सेक करते हैं, ये सोफरा वहीं से लगाते हैं सबके, प्लेयर्स अंदर नंगे नहा रहे हैं, बुलाओ ना बाहर, वो लाबू लाबू विराट भैया बुला रहे हैं। देखो स्पोर्ट्स में ना, खासकर आउटडोर स्पोर्ट्स में, इन द हीट ऑफ द मोमेंट प्लेयर्स के बीच में बहुत अनबन हो जाती है, और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, बट प्लेयर्स मूव ऑन फ्रॉम दैट, वो लड़ाई हुई, गली गलोच हुई, वो बढ़ जाते हैं आगे, कैमरे वाले नहीं।
पीछे पड़ जाते हैं प्लेयर्स यार, बार बार दिखाते रहेंगे सेम चीज। आजकल रोहित शर्मा के पीछे पड़े हैं बहुत भाई। क्या चिल बंदा है रोहित शर्मा यार, उनके ना स्टम्प माइक की बहुत सारी। अरे भाई साहब, और रोहित शर्मा को देख लगता है ये मेरे में मुझे चाहिए ये, कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा दीन दुनिया से, एकदम एकदम चिल। क्या इंच क्या तुम गार्डन में घूम रहे इंच पूछी भाई इंच बकचोदी बेंच फुल ऑन चल। बार बार दिखाया जा रहा है रोहित शर्मा को यार। तो ना हिंदी कमेंटेटर्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि उनको तो समझ भी आ रहा है। तो वो ऐसा हो जाते हैं कि नाराज है रोहित। ओह माय गॉड, काफी नाराज, पुजारा से बेहद निराश रोहित। 194 पे दो। पर ना इंडिया के मैचेस देखने का मजा तब आता है मुझे जब ना इंडिया अब्रॉड जाता है खेलने, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या कहीं भी। वहां क्या होता है ना, जो टीवी टेलीकास्टर्स होते हैं जिनका काम ये मैच ब्रॉडकास्ट करना होता है, ये उसी देश के लोग होते हैं, उनको हमारी गालियां नहीं समझ आती। वो गोरे लोग होते हैं, उनकी क्या होती है, दो तीन फक यू मदर फकर, ये कोई गालियां है हमारी? देखिए आप, एक बहन की वैरायटी है, एक माँ की वैरायटी है, बॉडी ऑर्गन्स, जानवर, जानवर के बॉडी ऑर्गन्स। जानवर की बहन की माँ के बॉडी ऑर्गन्स। हमारा बहुत इलैबोरेट सिलेबस है यार गालियों में। और हम गाली होते हैं ना गोरों को बड़े सुंदर लगते हैं कि वाह व्हाट एन एक्सप्रेसिव शॉट, शो विराट वंस मोर। अब सेम चीज हम स्लो मोशन में देख रहे हैं वहां पे। हो नाइस। Who is doing the slow motion so nicely? Amazing. Nice. ये वाली चीज ना बड़ी स्क्रीन पर दिखा रहे होते हैं चलते मैच में। बार बार विराट कोहली भी होता है क्या कर रहे हो यार, मैं निकल गया एक बार मुंह से पीछे पड़ गए यार ये तो यार। हमारे घर वाले भी मैच देखते हैं भाई, मुझे तो पक्का लगता है इन सबकी मम्मी ना शाम को फोन करती होगी, हाँ बेटे अच्छा खेले, बोल क्या रहे थे? हमने देखा, 3 बार देखा, हमें पता है तुम लोग बेन स्टोक्स नहीं बोलते हो। Yes! Wow, 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 hey guys, if you liked the video, then share this video and subscribe to my channel. ये चीज मैं अपनी हर वीडियो के बाद बोलता हूँ, पर आज मैं दिल से ये चीज बोलना चाहता हूँ। Oh, there's a bonus joke also. Let's wait for it. जैसे अब तो बहुत सिक्योरिटी बढ़ गई है स्टेडियम्स में ना, कि आप फील्ड पे नहीं जा सकते, मतलब बहुत पुलिस और ये सब होता है। पहले ये सब नहीं होता था, अब तो प्लेयर्स कम से कम सेलिब्रेट तो कर पाते हैं। आप पुराने मैच देखो 80s में 70s में, क्राउड ही भाग के आ जाता था पूरा स्टॉप, बेचारे प्लेयर सेलिब्रेट। एक बार एक प्लेयर था इंडियन प्लेयर, उसकी सेंचुरी हुई, सेलिब्रेट कर रहा बंदा आया बैट चुरा के भाग गया। क्या फायदा हुआ सेंचुरी का? बैट चुरा के भाग गया, तेरी ओए लगे ओए। 1983 वर्ल्ड कप जीते थे हम जब पहली बार, उसका फुटेज देखना आप। 2011 के वर्ल्ड कप में जब हम जीते थे, सब फील्ड पे आए थे, रो रहे थे, वो सचिन तेंदुलकर को सबने ऐसे विक्ट्री लैप दिलाया था, इतना अच्छा मोमेंट से। 83 में मोहिंदर अमरनाथ जी ने लास्ट बॉल डाली, वो बंदा LBW हुआ, जैसे अंपायर ने आउट दिया, बेचारे विकेट उठाने आए थे, हाथ में बेल भी नहीं आई उनके, और वो छोड़ छाड़ के जान बचा के भाग रहे ड्रेसिंग रूम, भागो अबे लूट ले गए भागो। ये वर्ल्ड कप जीते हम, मुझे पक्का लगता है अंदर जाके कपिल देव सर ने गिने होंगे बंदे, पहले सारे आ गए हैं। आगे सारे 11 आ गए हैं पूरे, तो तीन से कौन रह गया? सईद किरमानी बाहर रह गए, और लेकर आ गया तूने। वाह 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 ब्रो, व्हाट व्हाट अ स्टैंड अप भाई साहब। आए मतलब इतना हंसा हूं मैं, आई नो,
throughout the start to end. Yeah. Like I will say that, you know, I don't even watch cricket, so a lot of these references I don't know, like ekdam se barabar. But the way he explains it, no, you start picturizing ki like actually aise ho raha hai. abhi kaise hai ki main jaise maine bola, main religiously follow nahi karta hu, but I do follow kyunki I want India to win, I want Mumbai Indians to win, so main important matches dekhta hu throughout day. Dekhunga, I'll see it in gaps or I'll see the highlights, but main dekhta hu. So I knew what all he was talking about. Wo mike ka scene bolo ya sara bhabhi wala scene bolo. It was like on point, and specially boss, usne jo slow motion kiya. Oh my god, I was that watching was it. Amazing. Okay, nahi, funny ke scene se theek hai, but I like while watching on the screen, it actually looks slow motion. Like, wo itna badhiya kar raha tha. And that spotlight, amazing. Kyunki wo aisa lag raha tha ki wo ek like koi video jo slow motion mein aap chalate na waisa, wo real time mein waisa itna badhiya kar raha tha. Yeah. It was very nice. I truly enjoyed it. All right, so I think we will end it over here. Kyunki ek badhiya stand up tha and my cheeks are hurting. Ye pura dukhla gaya throughout the video. Main aisa main kar raha tha. Aur jab bhi aisa hansne ko agar aata na, I am crazy loud person. I would say main zor se hansta hu, khul ke hansta hu. So ek aur agar abhi apun कभी गए तो मैं वहां पे जोर जोर से हंसूंगा. इफ लाइक जोक्स वाले नहीं हो रहा है मेरे को बोलने को नहीं हो रहा है, दुख रहा है. जस्ट एंड इट प्लीज. So thank you very much for making us a part of your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like, and we'll see you guys in the next one.